हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश का थर्ड टॉपिक, दैट इज़ लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स और लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स। सी, वैसे तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल्स हमारी बुक में अलग अलग दिए हुए हैं, बट अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों मोर और लेस सेम ही हैं, इसलिए मैंने दोनों को एक ही टॉपिक में कवर किया है। अगर कुछ भी आए, करेक्टरिस्टिक्स आए या प्रिंसिपल्स आए, तो आप दोनों को सेम ही लिख सकते हैं, उनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं, पहला हमारा क्या है प्रिंसिपल और करेक्टर। फर्स्ट इज़ दैट लैंग्वेज इज़ अ व्हीकल। लैंग्वेज इज़ अ मीन्स, ये हमने पहले भी पढ़ा है, लैंग्वेज इज़ अ मीन्स फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज़, थाट्स, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसिस। हम जब लैंग्वेज को यूज़ करते हैं अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने के लिए, फीलिंग्स को, एक्सपीरियंस को, इमोशंस को, तो लैंग्वेज को हम बोल सकते हैं दैट इट इज़ अ व्हीकल, जो हमें हेल्प करती है एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, लैंग्वेज इज़ लर्नड। लैंग्वेज इज़ लर्नड ग्रेजुअली फ्रॉम चाइल्डहुड। व्हेन अ चाइल्ड इज़ बोर्न ही डजंट नो एनी लैंग्वेज। जब एक बच्चा पैदा होता है उसको कोई भी लैंग्वेज नहीं आता, बट जैसे कि वो अपने पेरेंट्स को देखता है बोलते हुए, उन्हें इमिटेट करता है, चीज़ों को समझता है देख के, उनको फील करके, उनको टच करके, तो वो धीरे धीरे लैंग्वेज समझने लगता है। तो लैंग्वेज हम बोल सकते हैं दैट लैंग्वेज इज़ लर्नड। सेकेंड इज़ लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम। जितनी भी लैंग्वेजेज हैं हमारी, सबका कुछ ना कुछ सिस्टम है। सिस्टम इन द सेंस हम बोल सकते हैं कि लैंग्वेज के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। साउंड्स, साउंड्स को कंबाइन करके बनते हैं वर्ड्स, और वर्ड्स को कंबाइन करके बनते हैं हमारे मीनिंगफुल सेंटेंसेस। जब हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं इन सम मीनिंगफुल ऑर्डर टू कन्वे आवर थॉट्स, आवर फीलिंग्स, तो वो एक सिस्टमेटिक वे में अगर हम सब चीज़ों को करते हैं तभी लैंग्वेज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। सी, जब तक हमें लैंग्वेज का सिस्टम नहीं पता है कि लैंग्वेज को हमें यूज़ कैसे करना है, लैंग्वेज में क्या हमें वोकैबुलरी चाहिए, क्या हमें वर्ड्स चाहिए, हमारी फीलिंग्स, हमारा उसको किस तरह से हमें अरेंज करना है, जब तक हम वो चीज़ नहीं समझेंगे तब तक हम लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर सकते। तो लैंग्वेज कैन बी यूज्ड मीनिंगफुली ओनली व्हेन वी नो हाउ टू यूज़ इट, व्हेन वी अंडरस्टैंड इट्स सिस्टम्स ऑफ साउंड्स, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट आ जाता है, लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स। अब यहाँ पे सिम्बल्स क्या हैं? सिम्बल्स हैं हमारे वर्ड्स। देखिए, लैंग्वेज किससे बनी है? वर्ड से बनी है। तो डिफरेंट वर्ड्स को हम बोल सकते हैं वो लैंग्वेज के सिम्बल हैं। जितनी भी चीज़ें हैं उनका कुछ ना कुछ नाम है, कुछ ना कुछ सिम्बल है। तो अगर बोलने वाले को, सुनने वाले को पता है कि उस सिम्बल का मतलब क्या है, तभी लैंग्वेज पूरी तरह से काम कर सकती है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट है, लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी। सिम्बल्स ऑफ लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी मीन्स देर इज़ नो विजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द लैंग्वेज आइटम एंड द ऑब्जेक्ट फॉर विच इट स्टैंड्स। लाइक हम किसी भी चीज़ को टेबल क्यों बोलते हैं, मैन को मैन क्यों बोलते हैं, इसके पीछे कोई भी लॉजिक या कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल नहीं है। आदिकाल से यही इन्हीं नामों से इनको बोला जा रहा है, तो कोई भी इनके बीच में कोई साइंटिफिक लॉजिक या रीजंस नहीं है, दे आर आर्बिट्रेरी। नेक्स्ट, लैंग्वेज इज वोकल। बहुत ही सिंपल है, एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन यूनिक वर्ड्स। हर भाषा में आप एक चीज़ के कई तरह के नाम होते हैं। फैन है, हिंदी में पंखा है, पंजाबी में कुछ और है, तो हर लैंग्वेज में उसके अलग अलग नाम हैं। तो जब तक हम चीज़ों को वर्ड्स नहीं देंगे, जब तक हम उनको बोलेंगे नहीं, तब तक देर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ यूनिक, ये भी उसी से मिलता जुलता है। हर लैंग्वेज यूनिक है, हर लैंग्वेज की अपनी वोकैबुलरी है, अपना बोलने का लहजा है। जैसे जैसे आप डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज़ में जाएंगे, डिफरेंट कल्चरल लोगों से मिलेंगे, आपको हर जगह डिफरेंट तरह की लैंग्वेज मिलेगी। लैंग्वेज इज़ एवर चेंजिंग, ये भी बिल्कुल ठीक है। कोई भी लैंग्वेज अर्थ पे ऐसी नहीं है आज तक जो जैसी पहले थी आज भी वैसी ही है।
लैंग्वेज इज़ कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग। कुछ वर्ड्स होते हैं जो आउटडेटेड हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, उनको फिर हम यूज़ करना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, या फिर कुछ नए वर्ड्स आ जाते हैं, या फिर कभी कभी वर्ड्स के मीनिंग्स भी चेंज हो जाते हैं। तो एवरी लैंग्वेज इज़ सपोज टू अंडरगो अ चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो यही थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंस सॉरी करेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज। इसमें से कुछ भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।